अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, उसके फंक्शन को देखेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, सेल की अगर डिफिनीशन देखें तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का बेसिक यूनिट आपका सेल है, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो भी और फंक्शन के हिसाब से देखें तो भी। तो सेल से ही मिलके आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है या पूरी बॉडी फॉर्म होती है, और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के माध्यम से ही होते हैं। यही सेल जब अपना समूह बनाता है, कई सेल जब मिल जाती है, ग्रुप बना लेती है, तो उसे कहते हैं टिशू, हिंदी में ऊतक कहते हैं। तो कई सेल मिलके ऊतक का फॉर्मेशन करते हैं, सेल के अकॉर्डिंग ही फिर उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो सेल की साइज़ भी वेरी करती है, सेल का शेप भी वेरी करता है, और सेल का फंक्शन भी वेरी करता है। एरिया वाइज सेल का अपना फंक्शन होता है। दूसरा पॉइंट देखें, साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स, देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो साइटोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से हम सेल के ओरिजिन, सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन की स्टडी करते हैं। सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपके सेल को कवर किए रहता है, और दूसरा सब सेलुलर कंपोनेंट। सब सेलुलर कंपोनेंट मतलब सेल के अंदर, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें आप मौजूद हैं वो सब सेलुलर कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स भी आएंगे। अब साइटोप्लाज्म जैसे हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो ये आपके ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब आइए देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर की और कहाँ पर क्या चीज़ें स्थित हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है कि टिपिकली क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो आप लेयरिंग देख रहे हैं ऊपर वाली, ये आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एकदम ऊपर वाले जो पोर्शन में देख रहे हैं उसे थोड़ा जूम करके दिखाया गया है कि सेल की मेम्ब्रेन ऐसे होती है। तो ये आपके फॉस्फोलिपिड से बना होता है और इसके अपने फंक्शंस होते हैं। मेनली क्या है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को बाहर और बाहर से अंदर आने वाली चीज़ों को रोकने का काम करता है। कुछ सिलेक्टिव ही ये परमिबिलिटी रखता है, चीज़ें आ जा सकती हैं तो जिसे वो चाहे। दूसरा, अगर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके अंदर आपके क्रोमेटिन मौजूद हैं और न्यूक्लियस मौजूद हैं जिसमें आपके क्रोमोसोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद होती है। न्यूक्लियस से सटा हुआ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, जो रफ टाइप दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वहीं नियर बाय आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, क्योंकि इस पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते इसलिए ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। साथ साथ नियर बाय गॉल्जी अपरेटस वहीं पर मौजूद हैं, जो कि आपके पैकेजिंग का करने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म, जिसमें आपके ऑर्गेनल्स सस्पेंड रहते हैं, मौजूद रहते हैं। लाइसोसोम्स, ये आपके वेसिकल फॉर्म में होते हैं, इसमें कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो कि डिग्रेडेशन करने का भी काम करता है। माइक्रोटोबुल्स हो गया, तो ये आपके सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। साथ साथ आपके राइबोसोम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की सिंथेसिस करने का भी काम करते हैं। और माइटोकांड्रिया, पता ही आपको, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाने का एग्ज़ाम में बहुत आता है। अब आइए चलते हैं, सारे जितना भी अभी मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पहले इसका कंपोजिशन देख लें कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, उसके बाद इसका डायग्राम पर चलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आपके तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर लिपिड्स की हम बात करते हैं तो मेनली इसमें आपके फॉस्फोलिपिड मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है और ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट प्रोटीन या लिपिड होते हैं, उससे ये अटैच्ड होता है, लिंक्ड होता है। ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाईलेयर इन नेचर होती है, मतलब लिपिड बाईलेयर होता है। तीन कंपोनेंट जो हमने बताया, फॉस्फोलिपिड जिसमें इसकी मात्रा 75% होती है, कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं इसमें मौजूद होता है इसकी मात्रा 20%, और ग्लाइकोलिपिड्स है इसकी मात्रा 5% होती है। तो ये सारे मिलके आपका
सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि फास्फोलिपिड की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसे फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फास्फोलिपिड की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोलिपिड, जैसा कि हमने बताया कि बाई लेयर होते हैं, फास्फोलिपिड बाई लेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो फास्फोलिपिड, एक फास्फोलिपिड ये आपको ऊपरी यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा ये देखिए यहाँ पे। तो अगर इसका शेप देखेंगे, आकार देखेंगे, फास्फोलिपिड का अगर देखते हैं तो हेड वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और ये टेल वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग इन नेचर होता है। तो फास्फोलिपिड का ये आपका बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, साथ साथ इसमें आप देखोगे कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद है। जैसे ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे दिख रही है, ये आपके प्रोटीन्स चैनल दिख रहे हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए आपके अलग टाइप के प्रोटीन मौजूद हैं जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपको दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। तो इन सब प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये जो आपके प्रोटीन सारी दिख रही हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कहीं पे कोई प्रोटीन्स आपके एज ए पोर वर्क करेगा, पोर मतलब यहाँ से आपके कुछ आयंस पास होते हैं तो ये चैनल की तरह वर्क करता है। कुछ इसी में प्रोटीन आपके रिसेप्टर की तरह वर्क करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सेल की मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, कंपोनेंट को, कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट को ही अपने अंदर आने देती है, मतलब सेल के अंदर आने देगी, और कुछ को ही बाहर जाने देती है, तो सिलेक्टिव रहते हैं। तो जिसको भी अगर अंदर आना होता है तो इसी के माध्यम से आते हैं, और यही इजाज़त देती है तभी वो अंदर आता है। तो जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, मतलब वाटर लविंग होते हैं, वो पोर के माध्यम से अंदर आते हैं, और जो आपके लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो कुछ डिफ्यूज करके आते हैं, कुछ चैनल के माध्यम से सेल के अंदर पहुँचते हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर था सेल की मेम्ब्रेन का। आइए इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन की हम बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोटेक्ट करने का काम करता है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो मौजूद हैं ऑर्गेनल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ ये सेल की साइज और शेप को भी मेंटेन करने में इसका अहम योगदान होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेक्टिवली परमीबल होती है, कुछ ही तत्व को अंदर आने देती है, मतलब आने और जाने का की परमिशन देती है। सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो इस सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। ये एक्ट एज ए बैरियर वर्क करता है, बैरियर की तरह ये वर्क करता है, और ये आपके सेल के अंदर होमियोस्टेसिस फॉर्म करता है, मतलब अंदर के जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है, इसको कांस्टेंट रखता है। तो सेल की मेम्ब्रेन पर जैसा मैंने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के आपके प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो कुछ उसमें से चैनल की आयन चैनल की तरह वर्क करते हैं, जिससे कुछ आयन्स मूव कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, तो सबके अलग अलग चैनल्स होते हैं, और उसके माध्यम से वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जा सकते हैं। कुछ एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं, जिसके जैसे आपके हार्मोन्स जहाँ पे आके बाइंड होते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात कर लें वो आके आपके बाइंड होते हैं। कुछ एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने काम करते हैं, मतलब उससे बाइंड होके एक तरफ से दूसरी तरफ, अगर आउटर हैं मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मौजूद हैं तो वो फिर इंट्रा सेलुलर आ जाते हैं, अगर सेल के बाहर मौजूद हैं तो उस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से सेल के अंदर आ जाएंगे, और सेल के अंदर हैं तो उस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से सेल के बाहर चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर भी के तौर पे भी वर्क करते हैं, जो आपके प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो साइटोप्लाज्म आपका फ्लूइड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो गैप है उसमें मौजूद होता है, मतलब सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड इन नेचर होता है, मीन्स कि तरल पदार्थ ये होता है। और अगर इसे डिवाइड किया जाए तो दो भागों में इसे डिवाइड किया जाता है, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल की अगर हम बात करते हैं तो साइटोसोल आपका वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को रखता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, सेंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी अपरेटर,
ये सारे इसके अंदर सस्पेंड रहते हैं। अब ये जो बना होता है ये फ्लूइड, इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है, वाटर की। 75-90% वाटर इसमें मौजूद होता है। साथ साथ अदर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, एटीपी और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर साइटोसोल का फॉर्मेशन करती हैं। अगर वहीं ऑर्गेन्स की बात कर लें तो जो आपके, जो भी हमने बताया कि साइटोस्केलेटन या राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गॉल्जी अपैरेटस है, ये सारे ऑर्गेन्स होते हैं सेल के अंदर। इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, इसको भी आगे हम देखेंगे। तो ये सस्पेंड होते हैं। तो दो भागों में साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया, साइटोसोल्स और ऑर्गेनल्स। साइटोसोल जो कि आपके वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें 75-90% मात्रा वाटर की होती है, साथ साथ अदर सब्सटेंस भी इसमें मौजूद होते हैं, आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड। और ऑर्गेनल्स जो आपके जैसे गॉल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे आपके क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूक्लियस का अगर शेप देखें तो यूजली ये स्फेरिकल या ओवल शेप होता है, जो कि सेल के अंदर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये होता है। और इसकी अगर हम इनवेलप की बात करते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप जिसे कहते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होता है जो कि आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू होता है, जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन पार्ट होता है, ये कनेक्ट होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब ये आगे चल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्शन का भी काम करता है। साथ साथ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के आयंस और कुछ आपके सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। इसी छिद्र के माध्यम से वो सेल न्यूक्लियस के अंदर पहुँचते हैं या न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में पहुँचते हैं। न्यूक्लियस जो कि आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है, ये भी आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस में आपके प्रोटीन, डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर पोर दिख रहा होगा, वो छिद्र है, इसी के माध्यम से आपके आयंस, अदर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इसके माध्यम से अंदर और बाहर जाते हैं। क्रोमैटिन्स जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस की जो हम बात कर रहे थे, इसके अंदर आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म वही आपके जो फ्लूइडी सब्सटेंस हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप वो जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो आपकी न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आपकी बेसिकली इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके राइबोसोमल आरएनए भी रखता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका अहम योगदान होता है। राइबोसोम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में। पहला है ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स कहलाते हैं। और दूसरा होता है फ्री राइबोसोम, जो कि फ्रीली साइटोसोल में मौजूद होते हैं। तो दो टाइप के आपके राइबोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल की एक सीरीज होती है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। यही जो मेम्ब्रेनस कैनाल हैं, आगे चल के फ्लैटेंड सैक का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सिस्टर्ना कहते हैं। ये आपके न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, बीच में एक लिंक या ब्रिज के फॉर्म करने का भी काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग। एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम की हम बात करते हैं तो इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसका सरफेस थोड़ा खुदरा होता है, दिखने में खुदरापन होता है। और ये बेसिकली आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका अहम योगदान होता है, प्रोटीन के सिक्रीशन में इसका अहम योगदान होता है। वहीं पर अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं तो इस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है, इसीलिए इसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। ये आपके फैटी एसिड, फास्फोलिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस करते हैं, और साथ साथ ये आपके कुछ आपके डिटॉक्सिफाई करने के भी काम करते हैं कुछ केमिकल को, जैसे आपके अल्कोहल है, पेस्टिसाइड है और कार्सिनोजेंस हैं, तो इसको इनएक्टिव करने का भी काम करते हैं, साथ साथ इसको डिटॉक्सिफाई भी करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आपके अटैच्ड हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और देखो यहाँ पे खुदरापन दिख रहा है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स मौजूद हैं। उसी के ऊपर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, देखिए इसका सरफेस एकदम क्लियर है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट आगे ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे गॉल्जी अपरेटस, तो यहाँ पे आप नियर बाय देख लीजिए गॉल्जी अपरेटस का वेसिकल लाइसोसोम जो कि ये आपके वेसिकल्स फॉर्म करने का भी काम करते हैं गॉल्जी अपरेटस। इसके आगे हम देखते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस, ये आपके न्यूक्लियस के नियर बाय प्रजेंट होते हैं। ये तकरीबन आपके 3 से 20 फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स से बने होते हैं जिसे सिस्टर्ना कहते हैं। आरबीसी में गॉल्जी अपरेटस मौजूद नहीं होता है और इसका जो मेजर फंक्शन है पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, डिलीवरिंग है किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन को ये पैक करता है और प्रोसेस भी करता है, पैक भी करता है और डिलीवर करने का भी काम करता है। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका एटीपी का जनरेशन करता है, मतलब एटीपी को फॉर्म करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपके दो टाइप के लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, एक होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो रीजन होता है, जो जगह होती है, उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बेसिकली आपका सेलुलर रिस्पायरेशन होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपके ऑक्सीडेटिव एंजाइम, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम रखते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज करने का भी काम करते हैं डिफरेंट टाइप के आपके जो सब्सटेंस होते हैं, तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में, सेल सिग्नलिंग में, सेल ग्रोथ में और सेल के साइकिल को कंट्रोल करने का भी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है और इसी के बीच में ये देखिए जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे पोर आपको दिख रहा होगा, स्मॉल छिद्र, तो इसके माध्यम से कुछ आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे आपको ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, साथ साथ ये देखो आपका मैट्रिक्स है, इसी में ऑक्सीडेशन वगैरह प्रोसेस होती है जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डीएनए और राइबोसोम्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके वेसिकल्स होते हैं गॉल्जी अपरेटस से फॉर्म होते हैं और इसका मेन जो काम है ये डाइजेशन करने का काम होता है, मतलब कि सेल के अंदर जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं, जो ख़राब सब्सटेंस हैं या सेल के ही कुछ पार्ट्स अगर डैमेज हो गए हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करता है, इसीलिए इसको सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 60 से अधिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, जैसे आपके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, इसको हाइड्रोलाइज करने के भी काम करते हैं। लास्ट आपका है प्रोक्सीसोम्स। तो प्रोक्सीसोम्स ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि दिखने में तो आपको लाइसोसोम जैसा ही दिखेगा, मगर अगर कंपेयर किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम से थोड़ा छोटा होता है और इसके अंदर कुछ ऑक्सीडाइज कंटेंट होते हैं जो कि आपके फैटी एसिड, अमीनो एसिड या यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने का भी काम करते हैं। तो एंजाइम मौजूद होते हैं ऑक्सीडेजेस एंजाइम, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट होती है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है जो कि बाई प्रोडक्ट होता है और ये हार्मफुल सेल के लिए होता है, तो इसको भी न्यूट्रल करने का काम करता है। उस टाइप का एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी न्यूट्रल करता है। तो ये था हमारा सेल के बारे में डिटेल्स में, हमने देखा उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।